नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। प्रणाम, उदित आर्यन है। आज जनता दरबार लगाया गया था नीतीश कुमार का। जनता दरबार में लोग पहुंचे, अपनी समस्याओं को रखे। नीतीश कुमार ने सभी की समस्याएं सुनी और तत्काल उस पर एक्शन भी लिया गया। इसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो प्रेस वार्ता होता है। प्रेस वार्ता में मंगल पांडे दिखते हैं, विजय चौधरी दिखते हैं, बिहार सरकार के तमाम सचिव दिखते हैं। प्रेस वार्ता में नीतीश कुमार ने अपने कई पक्षों को रखा, जिसमें स्वास्थ्य है, जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार जब शिक्षा पर सवाल किया गया, चाहे वो एसटीईटी का मामला हो, बीएसएससी का मामला हो, यूनिवर्सिटीज में जो लेट सेशन है उसका मामला हो, सभी पर नीतीश कुमार ने अपना पक्ष रखा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि आप याद कीजिए 2005 के पहले, जब वो सत्ता में आए थे पहली दफा 2005 में, और उसके पहले बिहार में कितने विश्वविद्यालय थे, कितने कॉलेजेस थे। लालू काल को उन्होंने याद दिलवाया है। देखिए क्या कुछ कहना है नीतीश कुमार का। आईआईटी पटना जो है 1 to 100 में पोजीशन आया है। इसके अलावा बिहार के दो यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन भी हैं, तो इस चीज को लेकर मतलब स्टैंडर्ड है उसको लेकर। नहीं नहीं शिक्षा विभाग उसमें भी लगा हुआ, ऐसा नहीं है। काफ़ी काम करने के लिए और पूरे तौर पर शिक्षा के लिए बढ़ावा के लिए तो लगे ही हुए हैं सब। और कई जगहों पर जो हम लोगों का राज्य सरकार का है उसमें लोगों की कमी है, तो उसकी संख्या को बढ़ाने का और सब चीज़ पर तो बात चल रहा है। ऐसा GER बढ़ा भी, हाँ GER को भी बढ़ाने का कई तरह की बात चल रही है। अरे भाई, अब रिपोर्ट होता है तो कोई बिहार में ठीक से देखता है कि नहीं? देखने वाली बात है, ज़रा देख लीजिए बिहार में कितना कॉलेजेस बढ़े। कोई चीज़ में छोड़े, पहले क्या हाल था ज़रा बताइए। तो जब हम लोगों को काम करने का मौका बिहार की जनता ने देना शुरू किया तो ज़रा उस समय सोच लीजिए कितना कॉलेज था, कितना स्कूल था, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, मेडिकल कॉलेज थे, हर प्रकार का था। बताइए हम लोगों ने कितना शुरू किया, और नेशनल लेवल के कितना कितने कितने चीज़ों को हम लोगों ने शुरू किया, इसको तो बराबर कह देना। तो काम तो बहुत शुरू हुआ है और वो भी बढ़िया ढंग से चले। इसके लिए अगर राज्य के अधीन है तो उसमें पूरे तौर पर इम्प्लाइज रहें, टीचर्स रहें, सब रहें, सब सब पर बात कर रहे हैं ताकि उसका सब चली। तो एनडीए में समन्वय का अभाव है, व्यक्ति कहाँ भ्रम से पास एकदम भ्रम है। देखिए कुछ लोगों की आदत होती है अपने तरह से बयानबाजी करने की, और हम उस सब चीज़ पर नियम देखते हैं। हम लोगों का आपस में अगर नहीं रहेगा कोऑर्डिनेशन, यहीं पर पूछ लीजिए किससे, अलग अलग भी सब लोगों से बताइए यहाँ पर ऐसा कौन सा। देखिए एक एक डिपार्टमेंट और एक एक चीज़ को लेकर के हम लोग सब एक दूसरे के साथ पूरा निरंतर संपर्क में रहते हैं। यहाँ पर नहीं है कुछ एनडीए में, उस सब मत करिए चिंता। चलिए तो किया गया, सबको प्रमोट किया गया है, ये दूसरा चीज़ है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री एक दूसरा चीज़ है, पूरे तौर पर सरकारी और इसका एक बयान, लेकिन लोगों को भी कहा गया है। तो बिहार में नीतीश कुमार ने कई यूनिवर्सिटीज दिए, कई कॉलेजेस दिए, ऐसा खुद उन्होंने आज कहा है प्रेस वार्ता में। इसके बाद उन्होंने और भी अपने कई मुद्दों पर पक्ष रखा है, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, लगातार वायरल इन्फ्लुएंजा फैल रहा है बिहार में, और इसी बीच छात्रों का जो प्रदर्शन है, अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है, उसे लेकर उनसे सवाल किया गया, जिस पर नीतीश कुमार ने बड़े साफ शब्दों में अपना पक्ष रखा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें। धन्यवाद।